ये कहानी है एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की, जो गरीबी में किसी तरह अपनी इच्छाओं को मारकर गुजारा चला रहे थे। जैसे तैसे वो जी खा रहे थे, लेकिन उस दिन उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति और परिवार के मुखिया मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया गया। परिवार के हालात इतने ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि उन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। घर के सभी लोग बहुत ही परेशान, बहुत ही हताश थे। और ऐसे समय पे मुंशी जी की पत्नी सिद्धेश्वरी जी पूरे परिवार को टूटने से बचाने का हर संभव प्रयास करती हैं। परिवार को जोड़े रखने और एक दूसरे को खुश करने के लिए वो झूठ का भी सहारा लेती हैं, जिससे किसी के ऊपर मेंटल प्रेशर ना पड़े या कोई डिप्रेस्ड ना हो। तो हमारी इस कहानी में कुल 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे मेन कैरेक्टर मुंशी जी की पत्नी सिद्धेश्वरी जी का है। तो मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जी के कुल 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा रामचंद्र 21 साल का है और पिछले साल कॉलेज से पास आउट होने के बाद एक प्रिंटिंग प्रेस में अखबार छपने से पहले गलतियां खोजने का काम सीख रहा है और नौकरी की तलाश में है। वहीं दूसरा बेटा मोहन 18 साल का है और 12th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो बात अलग है कि आपके जैसे वो भी बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ने बैठता है। वहीं तीसरा बेटा प्रमोद 6 साल का है और गरीबी के कारण कुपोषण का शिकार हो गया है और बीमार है। तो कहानी शुरू होती है जब सिद्धेश्वरी जी दोपहर का खाना बनाने के बाद सभी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कुल 7 रोटियां, थोड़ी सी पनियाई दाल और थोड़ी सी चने की तरकारी बनाई थी। खाना बनाने के बाद वो चूल्हा बुझाई और वहीं सर लटकाकर बैठ गईं। बैठे बैठे उन्हें बहुत तेज भूख लगाई, लेकिन खाना तो थोड़ा सा ही था, इसीलिए वो घड़े से भर के एक लोटा पानी निकाली और गटगट पी गईं। लेकिन खाली पेट इतना सारा पानी सीधे उनके कलेजे में लगा और वो हाय राम बोलकर वहीं लेट गईं। आधे घंटे बाद आँख खुली तो सामने खटोले में पड़े अपने 6 साल के बीमार बेटे प्रमोद को देखीं, जिसके मुंह में अनगिनत मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। वो अपना एक पुराना फटा ब्लाउज उठाईं और मक्खियों से बचाने के लिए उसके चेहरे को ढक दीं और सामने दरवाजे में जाकर खड़ी हो गईं और खाना खाने के लिए अपने पति और बेटों का इंतज़ार करने लगीं। धूप बहुत ज़्यादा तेज थी और उस तपतपाती धूप में उन्हें अपना बड़ा बेटा रामचंद्र आता दिखा। वो फटाक से गईं और हाथ पैर धोने के लिए लोटे में पानी ले आईं। रामचंद्र अंदर आया, उसका चेहरा धूप से लाल हो गया था और बाल एकदम बिखरे से थे। वो खाने के लिए वहीं ज़मीन पर बैठ गया और बेजान सा वहीं लेट गया। सिद्धेश्वरी जी वहीं दूर से खड़े अपने बेटे को निहारे जा रही थी, लेकिन 10 मिनट तक जब रामचंद्र हिला भी नहीं तो वो घबराकर उसके पास गईं और पुकारने लगीं, बड़कू, ओ बड़कू, बेटा उठ, खाना खा ले, खाना लग गया है, बड़कू। लेकिन रामचंद्र के कोई जवाब नहीं देने पे सिद्धेश्वरी जी डर गईं और घबराकर उसके नाक के नीचे हाथ रखीं और देखीं तो सांस चल रही थी। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आँखें खोलीं। पहले वो माँ की ओर सुस्त नज़रों से देखा और फिर अपने गंदे जूते उतारे और हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गया। खाने में 2 रोटियां, एक छोटी सी कटोरी में पनियाई दाल और चने की थोड़ी सी सब्जी थी। रामचंद्र खाना खाने ही वाला था कि तभी पूछा, अम्मा, बाऊजी कहाँ हैं? अभी नहीं आए क्या? सिद्धेश्वरी जी ने कहा, हाँ वो आते ही होंगे, तू खाना। और मोहन, मोहन कहाँ है? देखो तो बाहर इतनी तेज़ धूप हो रखी है, इतनी तेज़ धूप में वो है कहाँ? अब सिद्धेश्वरी जी को खुद नहीं पता था कि मोहन सुबह से है कहाँ, लेकिन उन्हें लगा सच बता दूंगी तो दोनों भाइयों के बीच कहीं लड़ाई ना हो जाए, तो उन्होंने झूठ कह दिया। अरे मोहन, हाँ वो तो अपने एक दोस्त के घर पढ़ने गया है। बड़ा होशियार है तुम्हारा भाई, उसका दिमाग तो दिन भर पढ़ाई में ही लगा रहता है। जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे दिन भर पढ़ाई की ही बात करता रहता है। रामचंद्र कुछ नहीं बोला और खाना खाने लगा। वो हर कौर बड़े ही चाव से खा रहा था। थोड़ी देर बाद सिद्धेश्वरी जी ने पूछा, बेटा कहीं नौकरी वोकरी मिली क्या? रामचंद्र बड़ी ही रूखी आवाज़ में कहा, माँ, समय आने पे सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। थोड़ी देर बाद खाना खाते खाते रामचंद्र पूछा, माँ ये प्रमोद खाना खा लिया कि नहीं? सिद्धेश्वरी जी ने फिर झूठ कह दिया, अरे हाँ वो तो कब का खा लिया। अच्छा वो कल की तरह रोया वोया तो नहीं था ना? सिद्धेश्वरी जी कहती हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, प्रमोद अब कहाँ रोता है, वो तो समझदार हो गया है। रामचंद्र बड़े आश्चर्य से माँ की ओर देखा और फिर खाने लग गया।
रोटी का बस आखिरी कौर बचा ही था कि तभी सिद्धेश्वरी जी उठते हुए बोली, बैठ बैठ, मैं एक और रोटी ले आती हूँ। रामचंद्र हड़बड़ा के बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं और नहीं लूँगा, मैं तो ये भी छोड़ने वाला था। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, अच्छा आधी तो और ले लो बेटा। रामचंद्र को पता था अगर मैं आधी रोटी भी और ले लिया तो घर में कोई और भूखा रह जाएगा, और वो गुस्से से कहता है, माँ बीमार करना चाहती हो क्या आप मुझे? आप तो बस अपनी चलाती हो, अरे भूख रहती तो मैं खुद ही ले लेता ना। सिद्धेश्वरी जी अपनी जगह पे वापस बैठ गई और रामचंद्र आधा पेट खाकर ही वापस काम ढूंढने निकल गया। थोड़ी देर बाद उनका मंझला लड़का मोहन दोपहर का भोजन करने आया और हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ गया। मोहन अपने बड़े भैया के मुकाबले थोड़ा सांवला और कद में थोड़ा छोटा था। सिद्धेश्वरी जी उसके सामने थाली रखते हुए पूछी, कहाँ रह गया था बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन खाना खाते खाते बोलता है, कहीं नहीं, मैं यहीं था माँ। अब तक भूखे रहने की वजह से सिद्धेश्वरी जी को भूख से चक्कर आने लगा था और वो नशे में मोहन से कहती हैं, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी है, उसका दिमाग तो 24 घंटे बस पढ़ाई में लगा रहता है। मोहन अपनी हंसी छुपाते हुए मुस्कराया और फिर खाने लगा। थोड़ी देर बाद मोहन लगभग अपनी थाली साफ ही कर चुका था, तभी सिद्धेश्वरी जी ने कहा, रुक रुक, मैं एक और रोटी देती हूँ। मोहन रसोई की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखा और फिर कहा, नहीं नहीं हो गया माँ, मुझे आज भूख नहीं है। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं है? तुझे मेरी कसम, थोड़ी सी और खा ले। मोहन बोला, कहाँ ना भूख नहीं है, वैसे भी ना जाने तूने आज कैसी रोटी बनाई है, खाई ही नहीं जाती। अच्छा ला, अब तूने कसम दे ही दी है तो थोड़ी सी दाल दे दे, वैसे दाल अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी जी कटोरी को उस पनियाई दाल से भर दी। मोहन दाल पी ही रहा था कि तभी मुंशी जी आ गए। बाबूजी को देखते ही मोहन जल्दी से दाल पीकर वहां से निकलते बना। सिद्धेश्वरी जी ने मुंशी जी को भी 2 रोटी, 1 कटोरी पनियाई दाल और थोड़ी सी चने की तरकारी परोस दी। मुंशी जी एक एक कौर को थोड़ा थोड़ा तोड़कर पूरे स्वाद से खा रहे थे। खाते खाते उन्होंने पूछा, बड़का नजर नहीं आ रहा है? सिद्धेश्वरी जी की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। उनके दिल में जैसे कुछ काट रहा हो, और वो बेहोशी की हालत में झूमती हुई बोली, अभी अभी खा कर गया है, वैसे कह रहा था कुछ दिन में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी किए रहता है, कहता है बाबूजी देवता समान है। मुंशी जी की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे वो पागल है। सिद्धेश्वरी जी ने कहा, अरे मेरे बेटे को पागल वागल ना बोलना, हमारे तो तीनों बेटे बड़े होशियार हैं। मुंशी जी और सिद्धेश्वरी जी अपनी करंट सिचुएशन को छुपाने के लिए एक दूसरे से इधर उधर की बात कर रहे थे, जैसे आजकल मक्खी बहुत हो गई है नहीं, या मौसम कैसा है, बहुत गर्मी है। थोड़ी देर में मुंशी जी का खाना अब समाप्त हो गया था और वो बंदर के जैसे थाली से बचे खुचे दाने बीन के खाए जा रहे थे। सिद्धेश्वरी जी ने पूछा, देखो जी बड़के की कसम और एक रोटी देती हूँ। मुंशी जी ने सिद्धेश्वरी को घूरते हुए देखा और कहा, रहने दो, पेट काफी भर गया है। अच्छा चलो लाओ, अब तुम कसम दे ही दी हो तो लाओ, गुड़ को थोड़ा पानी में घोल के दे दो, तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और खाना का जायका भी बदल जाएगा। मुंशी जी के खाने के बाद उनकी जूठी थाली में सिद्धेश्वरी जी अपने लिए बची हुई यही कुछ आधी कटोरी पनियाई दाल डाली, कढ़ियाँ पोंछ कर बची खुची चने की तरकारी निकाली और थाली से आखिरी वाली मोटी और जली रोटी निकाली। वो खाना खाने ही वाली थी कि तभी उन्हें याद आया, अभी प्रमोद खाना नहीं खाया है। वो अपनी रोटी दाल और सब्जी 2 बराबर हिस्से में बांट दी और जैसे ही अपने हिस्से की आधी रोटी का कौर वो अपने मुंह में डाली ही थी कि उनकी आंखें नम हो गईं और वो वहीं बैठे बैठे रोने लगीं। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है हमारी ये प्यारी सी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।